आज के इस लॉकडाउन और कोरोना वायरस के माहौल में कल की वो पेपर की न्यूज कि रेल पटरी पर सोए हुए घर की तरफ जाते हुए कदम मौत के मुंह में पहुंच गए। दुर्घटनाएं घटने के पहले जो समझ जाते हैं उनको प्रबुद्ध कहते हैं, दुर्घटना घटने के बाद जो समझ जाए उनको भी बुद्धिमान कहते हैं, और दुर्घटना घटने के बाद भी जो नहीं सुधरते उनको मूर्ख कहते हैं। मुझे लगता है कि दुर्घटना घटने के बाद तुम्हारे अंदर की इंसानियत कराह उठनी चाहिए। लॉकडाउन की सारी व्यवस्था बनने के पहले तय कर लेना चाहिए था कि जिनकी रोटी रोजी जिनका काम हम छीन रहे हैं उनकी क्या व्यवस्था करेंगे। लंबा समय बीतने के बाद और यदि पैदल जाना पड़ रहा हो तो इससे बढ़कर के और भयंकर बात क्या हो सकती है। मैं शासन से आग्रह करता हूं कि या तो उनको जहां है वहीं पर उनकी रोटी रोजी वापस दे दो, और रोटी रोजी जहां है वहां नहीं दे सकते हैं तो जहां वो पहुंचना चाहते वहां पहुंचा दो। जनता से भी इतना ही आग्रह करना चाहूंगा कि कोई पंछी अपने घोंसले की ओर लौट रहे हो तो उनको घोंसले तक पहुंचने में जो योगदान दे सकते हो जरूर दो। आसमान में उड़ने वाले पंछियों को चुग्गा और पानी देने की हमारी परंपरा है, कबूतर को चिड़ियों के लिए जगह जगह पर चुगा दाना घर बने हुए है, लेकिन आज आवश्यकता है जमीन पर चलने वाले उड़ने वाले पंछियों के लिए जो अपने घोंसले की तरफ लौट रहे हैं, उनको शटर मिले, उनको चुगा मिले, उनको दाना मिले, उनको पानी मिले, जैसे वैजापुर वालों ने व्यवस्था करी वैसे हर गांव ने व्यवस्था करनी चाहिए। और महाराष्ट्र की तो परंपरा रही कि जिस समय पंढरपुर की यात्रा के लिए वारकरी चलते हैं तो हर गांव में उनकी पूरी व्यवस्था होती है। तो जैसे पंढरी की वारी करने वाले वारकरियों की व्यवस्था करते हैं, जैसे गंगा का जल लाने वाले कांवड़ों की व्यवस्था करते हो, जैसे यात्रियों की व्यवस्था करते हो, वैसी व्यवस्था ये सिर पर बोझ उठाए नंगे पांव चलने वाले ये भी यात्री है, ये भी वात्सल्य के यात्री है। उस बच्ची को भी याद करो और जामोला जो तेलंगाना से चली थी नंगे पांव 12-13 साल की बच्ची, 2 दिन तक चल पाई, तीसरे दिन पांव न उठ पाया और मौत के मुंह में पहुंच गई। Who's responsible? ये सारे प्रसंग इस देश के सारे मंदिरों पर प्रश्न चिन्ह है, देश के सारे मंदिरों के पुजारियों के भावनाओं पर प्रश्न चिन्ह है, देश के हमारे सारे प्रवचनकार और संतों की करुणा पर प्रश्न चिन्ह है। क्या नहीं हो सकता है, बाकी सबका नेटवर्क तो कमजोर होगा है, लेकिन इस देश में धर्म का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। शायद ही कोई गांव, कोई गली, कोई वार्ड ऐसा होगा कि जिस गली में, जिस वार्ड में, जिस गली गांव में मस्जिद, मंदिर, चर्च, प्रार्थना मंदिर ना होंगे। क्या ये नहीं हो सकता कि जहां से आज दिन तक हमने प्रवचनों की शब्दों की धारा बही आज उन्हीं मंदिरों से
उन्हीं मस्जिदों से, उन्हीं चर्चों से, उन्हीं प्रार्थना स्थलों से क्या करुणा और वात्सल्य की धारा नहीं बह सकती? आज तक तुम्हें जनता ने दिया है, आज देने का मौका है। आज तक मंदिर में चढ़ाया गया है, आज मंदिर को चढ़ाना है। आज तक पुजारियों ने लिया है, आज पुजारियों को देना है। आज तक संतों ने लिया है समाज से, आज देना है। और ये अवसर मत चुकना है। इसलिए शासन से भी, जनता से भी, और जनता को निरंतर धर्म की राह पर ले जाने के लिए अपने शब्दों का खेल खेलने वालों से भी आग्रह है कि शब्दों के खेल के बजाय आज जीवन बचाने के खेल शुरू करने बहुत जरूरी है। तो जहां कहीं ये प्रवासी दिखे, अपने घर की तरफ लौटते हुए उनकी वैसी ही व्यवस्था हो जैसे पंढरी के वारी को जाने वाले वारकरियों की होती है, जैसे कांवड़ लाने वाले जल यात्रियों की होती है। वैसी व्यवस्था यदि इस देश में होती है, गली गली में होती है, तो पुनः किसी को चलते चलते रास्ते पर दम नहीं तोड़ना पड़ेगा और किसी दुर्घटना का शिकार नहीं होना पड़ेगा। ये हम सभी की आस्था पर प्रश्न चिन्ह है। हम इसको स्वीकार करें और इसका उत्तर दें।